हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक निजी कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे, जहां पर विज ने बताया कि कैसे अम्बाला में आज़ादी की लड़ाई 10 घंटे पहले ही शुरू हुई थी। कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनसे यह साबित होता है कि 10 मई 1857 को 10 घंटे पहले अम्बाला से ही बगावत शुरू हो गई थी। ये तथ्य देशवासियों से छुपाए गए क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी ने देश को यह बताया और पढ़ाया कि देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी थी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 26 मार्च 1857 से उनके घरों को, उनके दफ्तरों को आग लगानी शुरू कर दी थी, जिसके पुख्ता प्रमाण हैं। विज ने बताया कि अम्बाला में 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे शहीद स्मारक के पीछे का राज। विज ने उन 10 घंटों की कहानी सुनाई जिससे साबित हुआ कि 1857 की क्रांति की लड़ाई मेरठ से नहीं बल्कि अम्बाला से शुरू हुई। क्रांतिकारियों ने 10 मई की योजना बनाई क्योंकि इस दिन रविवार था और सभी अंग्रेज जो थे वो चर्च में इकट्ठा होते, लेकिन इसकी सूचना सिपाही ने तत्कालीन डीसी को दे दी, जिसे उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा और उसकी प्रति आज भी मौजूद है। इस दौरान विज ने कहा कि इस पुस्तक को शहीद स्मारक में शामिल किया जाएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके कि सच्चाई क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से ही सच्चाई को छुपाया है और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई सब देशवासियों के सामने आए। वहीं शहीदों के ऊपर एक नाटक का भी मंचन किया गया जिसको देखते हुए अनिल विज की आंखों में आंसू आ गए। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। ये ठीक है कि किताबों में अभी तक यही लिखा हुआ है कि मेरठ से शुरू हुई थी, मंगल पांडे ने शुरू की थी, लेकिन तथ्य बोलते हैं कि मेरठ से 10 घंटे पहले 10 मई 1857 को 60th नेटिव इन्फेंट्री ने अपने हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था और जंगे द मूमेंट दे डेजर्टेड देयर बैरक्स विद आर्म्स द क्रांति हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वहां से शुरू हुई क्रांति। ये चीजें हमसे छुपाई गई क्योंकि जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस पार्टी का राज रहा और कांग्रेस पार्टी ने हमको यही बताया, यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। परंतु बंधुओं, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का जन्म एक अंग्रेज था, A.O. ह्यूम। उसने ये संस्था बनाई थी ताकि अंग्रेज हिंदुस्तान की जनता के साथ बातचीत कर सकें, तालमेल कर सकें, इसलिए ये संस्था बनाई गई थी। लेकिन कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पहले 1857 में ये क्रांति ने जन्म लिया और 10 मई को ही नहीं लिया, उससे पहले ही जो क्रांतिकारी थे उनके मंसूबों में जो अधिकारी कर्मचारी बाधा डाल रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए 26 मार्च 1857 से उनके घरों को, उनकी कोठियों को, उनके दफ्तरों को आग लगाने शुरू कर दी थी। इसके तथ्य हैं, रिकॉर्ड है इस बात का। और
ये 10 मई को ही क्यों हुई? क्योंकि 10 मई को संडे था। संडे के दिन सारे अंग्रेज चर्च में इकट्ठे होते हैं। योजना यह बनी थी कि जब ये सारे अंग्रेज प्रेयर करने के लिए चर्च में इकट्ठे हो जाएं, तो वहीं पर इनको मारकर दिल्ली कूच किया जाए, दिल्ली कूच किया जाए। लेकिन अंग्रेजों को इस सारी क्रांति की सूचना मिल गई। एक सिपाही था जिसका नाम था श्याम सिंह, उसने फोर्सित जो डिप्टी कमिश्नर था उसको जाकर सारी बात बता दी कि 10 मई को ये होने वाला है। उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर ने एक पत्र भी लिखा ऊपर के अधिकारियों को, उसकी प्रति भी हमें प्राप्त हो चुकी है, जो पत्र लिखा कि यहां क्रांति होने जा रही है। तो अंग्रेज चौकस हो गए, उन्होंने जिस चर्च में प्रार्थना करनी थी और जिसका उद्घाटन होना था चर्च का, उसमें ना करके दूसरी चर्च में इकट्ठे हो गए सारे, जो यूरोपियन लाइन के बीच में थी। सारी चीजों को पूरी तरह से प्रमाणित करने के लिए हमने इतिहासकारों की कमेटी बनाई, और वालिया जी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वालिया जी ने जो किया है इसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। जो जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं यहां पर, मैं कल ही इतिहासकारों को इन द्वारा लिखी गई किताबों को उस कमेटी के सुपुर्द करूंगा। अभी अम्बाला में एक शो हुआ था रोनावत गांव का, एपिसोड ऑफ रोनावत, और हम देखते देखते रो पड़े थे, रो पड़े थे हम कि इतने जुल्म किए अंग्रेजों ने हमारे लोगों के साथ। रोनावत गांव है हमारे हरियाणा में, तो एक टीम आई थी, उन्होंने प्ले किया था अम्बाला कंट्री में, और सारी जनता रोई, सारी जनता इंक्लूडिंग मी, सब रोए उसको देख के कि किस प्रकार से लोगों ने अब जुर्म से है इस अंग्रेज हुकूमत को, और हम जो हैं हमने उनकी तरफ कभी झांक के नहीं देखा, उनकी तरफ हमने जा के नहीं देखा। इसलिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें वालिया जी के योगदान को भी युगों युगों तक याद रखा जाएगा, युगों युगों तक याद रखा जाएगा कि वालिया जी ने भी सारे तथ्य निकाल कर प्रस्तुत किए। आप सब आज, मैं आज लेट हो गया, उसके लिए भी मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। आज सवेरे चलते चलते मेरी गाड़ी अपने आप ही अम्बाला छावनी की नगर पालिका में चली गई, जाना मैंने कहीं और था उसमें चली गई, तो वहाँ चेकिंग में मुझे काफ़ी 2 घंटे लग गए, और वही 2 घंटे मेरे दिन के सारे शेड्यूल आगे चले गए। नहीं तो मैंने आपको टाइम से आना था। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैं लेट आया, मेरी वजह से आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा, और आपने इंतज़ार किया क्योंकि आज का दिन भी ऐतिहासिक मोमेंट है, आज का दिन भी ऐतिहासिक मोमेंट है, जिस दिन वालिया जी ने इतिहास की जड़ों से निकालकर तथ्यों को सामने रख दिया, सामने। आई सल्यूट टू दिस फैमिली, आई सल्यूट टू तेजिंदर वालकर, आई सल्यूट टू हिज वाइफ। धन्यवाद।